नमस्कार, मैं हूं नरेश और आपका स्वागत है संस्था समाचार कार्यक्रम में। जी हां, हमने आपको कई बार बताया कि संतों को फंसाने का आज दौर चल रहा है। उसी श्रृंखला में संत आशाराम जी बापू को उनके जीवन की 75 वर्ष की अवस्था में रात को 1 बजे उठा लिया जाता है, पोक्सो की धारा लगा दी जाती है और संत को कारावास हो जाता है। परंतु सच्चाई जनता के सामने नहीं आ पाती है। क्या था वो सच जो जनता को नहीं मिल सका? दिखाया गया वो जो था झूठ। सच दिखाने की कोशिश हमने की है आज अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से। एक बहुत बड़ा खुलासा जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। क्या थी सच्चाई? कौन है पर्दे के पीछे? और किसने संत आशाराम जी बापू को किस तरीके से फंसाने की कोशिश की? वो सारी बातें आज हम अपने इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे। संत आशाराम जी बापू को पोक्सो की धारा लगाकर कारावास में रखा गया था। कहा गया वो लड़की नाबालिग है और उस लड़की की उम्र 17 साल बताई गई। परंतु उस लड़की का सर्टिफिकेट जो कि उसके स्कूल से मिला मुमुक्षु विद्यापीठ में, जहां उसने नर्सरी की थी और केजी की क्लास की पढ़ाई की थी, वहां से जब सर्टिफिकेट निकाला तो वो चौंका देने वाला था। जी हां, लड़की की उम्र 17 साल नहीं 18 साल 10 महीने है, अर्थात वो लड़की बालिग है और संत आशाराम जी बापू को नाबालिग के तहत पोक्सो की धारा लगाकर केस में फंसाया गया। ये बातें हमने नहीं कही, कुछ प्रसारण माध्यमों के माध्यम से हमें जानने को मिली। और इसके पीछे का सच क्या था ये जानने के लिए हमने और भी प्रयास किया। हमने जाना आश्रम की प्रवक्ता नीलम दुबे से। नमस्कार नीलम जी, आपका स्वागत है मंगलमय चैनल पर। धन्यवाद नीलम जी। एक बहुत बड़ी खबर जानने को मिली है, आप आश्रम की प्रवक्ता हैं इसीलिए हमने आपको कॉल लगाया, कि वो जो शाहजहाँपुर की लड़की है उसका कहना है कि वो नाबालिग है, उसके पिता उसको नाबालिग बता रहे हैं। परंतु अभी आश्रम के द्वारा एक जानकारी मिली है और मीडिया पर भी ये चल रहा है, कुछ चैनलों पर आया है, कि वो लड़की का सर्टिफिकेट मिल गया है और उस सर्टिफिकेट में बताया जा रहा है कि वो लड़की नाबालिग नहीं है, बालिग है। तो उस बारे में आपको कोई जानकारी है? क्या खास बात है ये, इसमें क्या है ऐसा? देखिए, ये तो अब जब इस तरह की खबरें आती हैं तो बहुत से चैनल, बहुत से अखबार उसको देख नहीं पाते हैं, लेकिन हम उन अखबारों को और उन चैनलों को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे जिन्होंने लोगों को सच बताने की हिम्मत की। लड़की बालिग है, नाबालिग नहीं है। और ये जो जिस कानून के तहत संत आशाराम जी बापू को जेल में डाला गया है, वो नाबालिग बच्चों के लिए है। वो कानून, पॉक्सो कानून जो है, वो नाबालिग बच्चों के लिए आया और पॉक्सो कानून हाल फिलहाल में ही आया है। तो उस कानून के चलते बापू को बंद करवाया गया जेल के अंदर, जबकि बच्ची जो आधार है नाबालिग होने का वो है ही नहीं। आधार क्या निकला कि वो बच्ची बालिग निकली, और वो भी सर्टिफिकेट उस बच्ची का तब का है जब बच्ची ने नर्सरी में एडमिशन लिया था। तो अगर वो बच्ची उस समय पैदा ही नहीं हुई थी तो नर्सरी में एडमिशन कैसे ले लेती? वो 97 का डेट ऑफ बर्थ उसके पिता बता रहे हैं और 95 का वो स्कूल बताता है। तो इसका मतलब 95 में वो बच्ची स्कूल गई, 95 के 2 साल बाद वो बच्ची स्कूल में गई है, यानी कि 98-97 में बच्ची स्कूल में गई है और वहाँ पढ़ी है, तभी तो स्कूल वालों ने एडमिशन दिया है। 6 महीने के बच्ची को भला कहाँ से स्कूल वाला एडमिशन दे देगा? अब उसके पिता कह रहे हैं कि भाई बच्ची जाती थी अपने भाई के साथ, तो एडमिशन भी दे दिया बिना माता पिता के, बिना अभिभावकों के मर्जी के। इस दुनिया में ऐसा कोई स्कूल है ही नहीं जो बच्ची को एडमिशन दे दे और पढ़ाने लग जाए। स्कूल वाले फीस लेते हैं बाकायदा। नीलम जी, स्कूल के प्रिंसिपल बता रहे हैं कि वो लड़की जो है अपने भाई के साथ आती थी और उसने 6 सितंबर 1995 उसकी बर्थ डेट बताई जा रही है। और हमें जानने को मिला उसके पिता कह रहे हैं कि वो लड़की बालिग है और 1997 वो बताते हैं 6 सितंबर। तो इस बारे में मामला क्या है, पूरी डिटेल का थोड़ा बताइए। आई थिंक 6 सितंबर की जगह शायद 6 अगस्त है और 95-97 वाली बात आप सही कह रहे हैं। 97 ये लोग बता रहे हैं जो पेरेंट्स हैं, लेकिन जो स्कूल है जिसमें उस बच्ची ने नर्सरी करा है और केजी पढ़ा है, वो स्कूल उसको 95 का बताता है। तो स्कूल वाला भला क्यों झूठ बोलेगा? उस स्कूल वाले को क्या लेना देना है? केस बापू आशाराम और इनके बीच में है, तो वो तो स्कूल का कोई लेना देना ही नहीं। अगर वो बच्ची 95 का डेट ऑफ बर्थ से उसको एडमिशन मिला है, तभी तो वो बता रहे हैं।
और वो इतने दिन से छुपाए बैठे थे, अब जब सामने आ जाता है सर्टिफिकेट तो फिर अब उसके पिता को कुछ और बोलना पड़ रहा है। तो ये झूठ के ऊपर बुनियाद इन्होंने खड़ी तो कर दी है, लेकिन जब आदमी झूठ बोलता है तो उसके बाद कई झूठ बोलने पड़ते हैं, ये सच है। लेकिन जब आदमी सच बोलता है तो वो सच उसको याद नहीं रखना पड़ता, झूठ जब शुरू में बोल दीजिए उसको बहुत सारे फिर झूठ बोलने पड़ते हैं झूठ छुपाने के लिए, तो ये कहानी शुरू हो गई है। और बहुत जल्द ये सच सामने आ जाएगा कि वो इस तरह का इन्होंने प्लॉट क्रिएट करा कि बापू को फंसाया जाए और बापू के साधकों का दिल तोड़ा जाए और बापू जिस जो सनातन धर्म के प्रचार में लगे हुए थे उस प्रचार को कहीं ना कहीं रोका जाए। लेकिन ये उन्हें समझना चाहिए कि सनातन धर्म कभी खत्म हो ही नहीं सकता, हिंदू धर्म आगे जाएगा और अभी भी जा रहा है। अब देखिए ना, ऑस्ट्रेलिया में एक कानून पारित हुआ है जिसमें कहा गया है कि बर्थडे केक पे कैंडल्स लगा के बुझाना कानूनन जुर्म है। ये बात बापू ने बरसों पहले बोल दी थी, अब वहाँ ये कानून आ रहा है। उस कानून की देखा देखी हमारे गुलाम नबी आजाद जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर, अब वो उस कानून को फॉलो कर रहे हैं। तो जो आपके संत बोल रहे हैं वो आपको समझ में नहीं आ रहा, उसी संत पे विदेशी लोग थप्पा लगाते हैं तो आप यहाँ कानून बनाने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात बापू जी जो बातें बोल चुके हैं वो अब अभी देखिए, अमेरिका में एक रिसर्च सामने आई है, वो रिसर्च ये कहती है कि बहुत ज्यादा मोबाइल फोन यूज करने वालों को दिमागी बीमारियां होती हैं। ये बात बापू जब मोबाइल फोन आए ही थे तभी बापू ने बोल दी थी। अच्छा नीलम, और बापू के बहुत से साधक नहीं यूज करते। हम वापिस ही विषयांतर हो रहे हैं, वापिस इसी केस पे आते हैं। मैं नहीं मानती कि बच्ची का कहीं भी दोष है, बच्ची को एक हथियार की तरह यूज किया गया है। दोष जो है उन षड्यंत्रकारियों का है जिन्होंने इस परिवार को एक हथियार बनाया है, बापू के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी है कि बापू खराब है या बापू दोषी है। बापू ना तो खराब है ना दोषी है, ये दुनिया जानती है। मीडिया में तब तो खूब दिखाया गया कि बापू के नाम के आगे क्या क्या शब्द लगाए, कुछ कानून, किसी ने बलात्कारी शब्द लगाया, किसी ने हे राम हाय राम लगाया, किसी ने कुछ, दुनिया भर का कीचड़ उछाला। आज जब सच सामने आना शुरू हुआ है तो वो चैनल चुप है। मेरा सवाल उन सब चैनलों से है, उन चैनल के मालिकों से है, उन चैनल के कर्ता धर्ताओं से है कि आज उनको सच दिखाई क्यों नहीं दे रहा। अभी हाल फिलहाल में दो रोज पहले की बात है, वो अमृत प्रजापति वैद्य जो बापू का एक जमाने में अपने आप को वैद्य कहता था, वो अमृत प्रजापति उसको दुनिया भर के चैनलों ने अपने स्टूडियो में बैठा के हीरो बनाया। आज अगर देखा जाए तो वो गुजरात की पुलिस ने उसको पकड़ के बंद किया है, वो एक आतंकवादी से कम काम नहीं किया उसने। माननीय नरेंद्र मोदी एक सभा में जाते हैं और उस सभा में वो लोडेड पिस्टल लेके जाता है, क्या जरूरत थी। एक मुख्यमंत्री किसी काम से जा रहे हैं, वहां भीड़ में लोडेड पिस्टल लेके जा रहा है और उस पिस्टल का उसने लाइसेंस भी किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से लिया, क्या ये कानून जुर्म नहीं है। उस व्यक्ति को उन स्टूडियो वालों ने, उन चैनल वालों ने अपने स्टूडियो में बैठा के हीरो बनाया और बापू को गालियां देने के लिए उसका ऑडियो लेवल बढ़ाया। और वो व्यक्ति जब मुझसे बात करता था स्टूडियो में तो बाकायदा मेरा ऑडियो लेवल कम कर दिया जाता था और उसका ऑडियो लेवल खूब बढ़ा दिया जाता था। उन ऑडियो लेवल बढ़ाने वाले चैनलों से मेरा सिर्फ एक छोटा सा नम्र सवाल है, क्या ये खबर ऑडियंस तक पहुंचाने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पत्रकारिता को क्यों दीमक लग गया मुझे समझ में नहीं आया। जी आज कहीं पत्रकार ऐसे हैं जो पत्रकारिता के नाम पर आज कहीं ना कहीं इतनी मजबूरी हो गई है, मजबूरी हो गई है, जानती हूँ नहीं आ पा रही। ये नरेश भाई ये मजबूरी हो गई है, आप इस फील्ड में अगर हैं तो इस फील्ड में अगर आप इस तरह से अगर आपको टिकना है तो आपको ऊपर वाले व्यक्ति की बात सुननी पड़ेगी और ऊपर वाला व्यक्ति न जाने किन किन के हाथों बिका होता है, ये बहुत बड़ी मजबूरी होती है। मैंने खुद कई साल निकाले हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ही, मैं रही कई साल मैंने बिताए और अभी भी मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, भले अभी मैंने थोड़ा विराम लिया हुआ है, लेकिन ये मजबूरी है। चैनल को चलाना बहुत मुश्किल काम होता है, उसमें हजारों लोगों की रोजी रोटी की बात होती है और जब भी कोई बाहर से फंडिंग नहीं आती तो चैनल चलता ही नहीं है। जी नीलम, फंडिंग होती है देने वाली है। हाँ मैं भी उसी सवाल से आती हूँ, मैं वही कह रही हूँ। हम फिर से अपने उसी केस पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। हाँ ये बात कही गई थी कि उसके बीच में अभी कुछ चैनलों पर ये भी चलाया गया था कि उसकी सहेली ने आकर कहा कि वो जो लड़की है शाहजहापुर की, जो इसको नाबालिग या बालिग बताया जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उस बच्ची का कहीं एक P7 चैनल था और जो अखबार थे उनमें। वो लड़की की सहेली ने ये बात कही थी, कुछ चैनल पे चली थी
कि वो लड़की दबाव में आकर अपने माँ बाप के कहने पर ऐसा कह रही है। वास्तव में वो लड़की को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, उसकी सहेली ने ये बात नहीं, मैं सामने आपको रखी थी। यही बता रही हूँ, मैं नरेश भाई यही जी बता रही हूँ। इस जी केस बताइए। को मैंने बड़ी बारीकी से पढ़ा है, देखा है। वो बच्ची का कहीं से कोई दोष नहीं है। बच्ची जिस परिवार की है, जिस घर में वो रह रही है, जिस घर का वो खाना खा रही है, अगर वहाँ के मालिकान ही उसको कहे, माता पिता ही उसको कहे कि तुम्हें ऐसा बोलना है, तो देखो कितने मजबूर रहे होंगे वो माँ बाप जिन्होंने अपनी बच्ची का ही इस्तेमाल किया। तो मैं नहीं समझती कि इस परिवार का कहीं से कहीं दोष है। दोष उन लोगों का है जिन्होंने इस परिवार को और इस बच्ची को हथियार बना के यूज करा है। तो आपको क्या लगता है कौन लोग हो सकते हैं इसके पीछे? मैं तो बहुत पहले से बता रही हूँ, 2008 में ही इसी अमृत प्रजापति वैद्य का एक वीडियो बाइट मैंने सुना था। उसमें ये व्यक्ति बोल रहा था कि अगर 50 करोड़ का फिरौती हमको नहीं मिलता है तो हम इस आसाराम के खिलाफ कई झूठे केस तैयार करके रखे हुए वो एक एक लाएंगे। उसमें इसलिए इस व्यक्ति ने एक चिट्ठी भी भेजी थी फैक्स आश्रम फैक्स में, आया था, इस फिरौती प्रकार का मांगी फैक्स भी थी। देखने को मिला था हाँ, और जी। वो कागज जो उसने जो फैक्स भेजा था, उस फैक्स को उसने मंजूर भी किया। उसने त्रिवेदी कमीशन जब बैठा वहां ये कागज पेश किया गया तो उसने माना ये बात कि ये उसी ने भेजा है, उसी का नंबर है और उसने ये हरकत करी है। ये किसी चैनल में नहीं दिखाया गया, किसी अखबार में नहीं दिखाया गया। और हमने जब बात करी इन अमृत प्रजापति वैद्य से कि तुमने ऐसा किया था, क्यों किया था, तो उसने विषयांतर कर दिया और मीडिया वालों ने उसको विषयांतर करने दिया। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा गेम है जिसमें ये छोटे छोटे प्यादे हैं। अमृत प्रजापति हो गया या इसका, इसने बहुत सारे अपने ग्रुप का नाम लिया, इसने ग्रुप में कई लोगों का नाम लिया। उन सब लोगों को त्रिवेदी कमीशन ने बुलाया भी, उनसे बातचीत भी हुई, उनसे सवाल जवाब भी किए गए। कुछ लोगों ने तो सॉरी भी बोला, कुछ लोग वहाँ ढीले भी पड़ गए। तो इन सबका तो उस समय ही ये रिसर्च उस समय ही मीडिया वालों को पीछे पड़ना चाहिए था कि कहीं ना कहीं देश की संस्कृति पे बहुत बड़ा कुठाराघात शुरू हो गया है। और ये कुठाराघात उन लोगों ने नहीं ध्यान दिया, बट हमने ध्यान दिया और ये होता चला जा रहा है। जी। खैर, एनीवे ये ज्यादा कर नहीं पाएंगे। इन्होंने डेंट भले ही मारा है बट तोड़ फोड़ इनके बस की नहीं है। संस्कृति को कोई न तोड़ पाया है न खत्म कर पाया। डेंट जरूर इन्होंने मारा है, वो डेंट भी बहुत जल्दी पेंट और डेंट कहाँ नहीं साफ होते, ये भी साफ हो जाएंगे। और जी। सच सामने आने का समय अब शुरू हो गया है, तो नीलम जी आपका लेकिन मानना अब है क्या बहुत जल्दी संस्कृति पर जल्दी और इस संतों पर बच्चे कहीं ना के कहीं पिता कुठाराघात ही होगा? बोलेंगे। हाँ जी, हाँ जी मैं यकीन से कह रही हूँ नरेश, इस बच्ची के पिता ही आके बोलेंगे कि किन किन लोगों ने इनको मजबूर किया था कि ये झूठ इनको बोलना है। जी कहीं ना कहीं ये सच सामने आएगा और जरूर आएगा और बुलंदी से आएगा। भले ही मीडिया चुप रहे, मीडिया ना दिखाए, मगर लोग फिर भी देखेंगे। जी नीलम जी, एक प्रश्न और हम करना चाहेंगे आपसे कि कोर्ट का रवैया आपको क्या लगता है कि इस बार कोर्ट में इसका जो फाइनल डिसीजन आएगा उस डिसीजन पर इस सर्टिफिकेट का कोई असर होगा? देखिए, ये मामला होता है, इसको ना आप पेश किस तरह से करते हैं, जी किस तरह से उसे पेश किया गया है जज को, जो होता है जज के सामने तरीका होता है किस तरीके से आपने अपनी बात रखी। क्योंकि अगर आप सही अभी तक तरीके में से भी बापूजी के जमानत के लिए, आशाराम जी बापू की जमानत के लिए जब जब भी ऐसा मौका आया है तो एक एंड मौके तक लगता है कि आशाराम जी बापू को जमानत मिलने वाली है, मिलने वाली है, और एंड मौके पर एकदम से मामला कुछ और ही मोड़ ले लेता है और परिवर्तन हो जाता नहीं, है। नहीं आपको नरेश क्या जी, लगता है इस यहाँ बात? मैं सहमत नहीं हूँ। नरेश जी जी मैं सहमत नहीं हूँ। मैंने शुरू में ही देख लिया था और मैंने पहले भी कई बार बोला था कि नहीं, जमानत मिलने के आसार हमें नहीं दिख रहे। लेकिन साधकों के बीच में बोलते तो साधकों का दिल टूटता, उन्हें उम्मीद टिकी हुई थी कि नहीं नहीं जमानत मिल जाएगी मिल जाएगी। हमें नहीं लग रहा था, हमें जब पहली बार ही जमानत रिजेक्ट हुआ तब हमें लग रहा था कि अब जमानत के लिए हमें नए तरीके से नए सिरे से चलना चाहिए। वो कहीं ना कहीं हम नहीं कर पाए। एनीवे बात ये होती है कि कोर्ट में जो चीजें आप जिस तरीके से पेश करते हैं जी। उस पे ही डिसीजन होता है। कोर्ट में जज को, जज आपके भीतर घुस के नहीं देखेगा कि आपको क्या क्या और क्या क्या सच है क्या क्या झूठ है। उनके सामने तो जो आप फैक्ट्स रखेंगे, ए है तो ये ए क्यों है, ये बी है तो बी क्यों है, अगर ये फैक्ट्स आप रखेंगे उन फैक्ट्स के आधार पर ही उनके डिसीजन होते हैं। और कोर्ट में धीरे धीरे जब फैक्ट्स आने शुरू होते हैं, अभी तो एविडेंसेस आने शुरू हुए हैं, जब एविडेंसेस आने शुरू हो जाएंगे तो उन एविडेंसेस का दम तो पड़ेगा। तो जमानत की भूमिका में ये सर्टिफिकेट सहयोगी हो सकता है, आपको लगता है इस बारे में? अभी इतनी जल्दी क्यों हम बोलें, लेकिन देखिए सच ये है कि बापू निर्दोष है। जी ये आज हम बोल रहे हैं, कल जमाना बोलेगा और अभी कोर्ट भी बोलेगा। जी जी जी
बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आपका चैनल से जुड़ने के लिए नीरम जी। और ये बहुत बड़ा सबूत है, जो अहम सबूत है, अगर ये सच हो जाता है तो इसके साथ अगर इसका पुख्ते सबूत जो कि जोधपुर पुलिस यहाँ से गई हुई है शाहजहाँपुर, अगर वो इस बात की तफ्तीश करती है और अगर इसमें कोई सच्चाई वास्तव में अगर इसका सर्टिफिकेट। देखिए एक बात नरेश और मैं बोलूंगी, नरेश और मैं बोलूंगी कि जोधपुर पुलिस ने एविडेंसेस इकट्ठे शुरू करने किए हैं, एविडेंसेस इकट्ठे करने शुरू कर दिए, ये पहला एविडेंस है। धीरे धीरे जब एविडेंसेस आने शुरू होंगी तो ये अपने आप ही केस हमारा मजबूत होता चला जाएगा और बच्चे के पिता अपने आप बता देंगे कि किनके कहने पर उन्हें झूठ बोलना पड़ा है। अभी तो एविडेंसेस इकट्ठी करने की शुरुआत हुई है, ये पहला एविडेंस है जो जोधपुर पुलिस ने इकट्ठा किया है। अभी तक तो ये पहल हो भी नहीं रही थी, अभी पहल होनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण एविडेंस मिला है पॉक्सो की धारा के अंतर्गत। नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि नाबालिग पे ही ये कानून लागू था और वो बच्ची बालिग है तो कानून ही यहाँ पे नहीं चल रहा, यहाँ पॉक्सो ही खत्म हो जाएगा। चांसेस है खत्म होने की, बाकी देखिए कोर्ट में क्या होता है, होप फॉर द बेस्ट। स्टार्टिंग में ये बताया गया था कि मेडिकल में भी उस लड़की की रिपोर्ट में ये नॉर्मल आई थी और बाकी कई चीजें ऐसी देखने को मिली थी। उसका 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 सीमन तो इंटैक्ट था और वो तो जब भी उसका दो बार बल्कि तीन बार उसका मेडिकल जांच हुआ था और मेडिकल जांच में वो बिल्कुल परफेक्ट थी लड़की, कहीं ना कहीं हाँ बिल्कुल नॉर्मल थी, कहीं से भी उसको छेड़खानी हुआ है ऐसा कहीं भी मेडिकल रिपोर्ट में मेडिकल जांच में कहा नहीं गया। और ये बात भी मीडिया ने आंख बंद कर ली, इसकी इसको भी नहीं दिखाया, तो ये भी कोर्ट में सामने रखा जाएगा, वो मेडिकल जांच की वो जो रिपोर्ट्स है वो भी सामने आएंगी। तो बहुत सारी बातें हैं, जब धीरे धीरे एविडेंसेस आने शुरू होंगे तो फिर पता ना पड़ेगा कि ये सच क्या था। लेकिन सवाल ये है कि हमारे बापू 6 महीने साधकों से दूर रहे, इसकी भरपाई कौन करेगा, ये सोचने की बात है। और जब एक संत जो कि सिर्फ और सिर्फ सत्संग ही देते हैं और सत्संग के जरिए दुनिया में कई लोगों का जीवन सुधारते हैं, पूरे अखा वर्ल्ड में जो सुधार आना शुरू होता है वो संत के सत्संग से आ रहा था और आ भी रहा था और आता रहा। अब वो 6 महीने जो सत्संग साधकों से दूर किया गया, वो जो भरपाई है वो ना तो कोई कोर्ट कर सकता है ना कानून कर सकता है। इसमें तो विधाता भी हिल गया है कि ये जो पाप हुआ है, इस पाप में जितने भागी हैं उन सबको बहुत बड़ा हर्जाना भरना पड़ेगा, ये पूरी दुनिया देखेगी। क्योंकि ये कहा जाता है ना, संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश। मैं इसकी आगे की लाइन बोलती हूँ, इसी दुनिया में आए थे क्या क्या रावण क्या कर। तो ये फैक्ट है, जितने लोगों ने संत संत खाली बापू संत नहीं, बापू के साथ जुड़े जितने भी साधक थे वो भी संत हृदय है। उन संत हृदयों को जो ठेस पहुंचाई गई 5-6 महीनों में, उनका हिसाब किताब लोगों को देना ही पड़ेगा। वो तो कोई कोर्ट भी नहीं बचा सकता और कोई मंत्र भी उनको नहीं बचा सकेगा। जी बिल्कुल नीलम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मंगलमय चैनल से जुड़ने के लिए। तो ये थी आश्रम की प्रवक्ता नीलम दुबे, जो अभी बता रही थी किस प्रकार इस केस में संत आशाराम जी बापू को आज फंसाया हुआ है। ये बातें नीलम दुबे ने ही नहीं कही, ये बातें कुछ न्यूज़पेपर्स में भी आई और ईटीवी राजस्थान में भी दिखाई गई। हालांकि सोमवार को स्कूल के रिकॉर्ड की जांच के बाद ही मामले का खुलासा हो सकेगा, जबकि सूत्रों के मुताबिक जोधपुर पुलिस के कुछ अधिकारी पहले से ही यूपी में इस संबंध में तथ्य जुटा चुके हैं। इसके साथ ही स्पेशल टीम शुक्रवार को वहां गई, शाहजहांपुर में मौजूद जोधपुर पुलिस के ACP पहाड़ सिंह ने भी मामले में तथ्य मिलने की बात कबूली है। गौरतलब है कि इस मामले में पुलिस ने जिस छात्रा की शिकायत पर आसाराम के खिलाफ पॉक्सो और अन्य एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया है उसे पुलिस ने बालिग करार नहीं दिया था, नाबालिग बताया था, लेकिन हाल में स्कूल के प्रिंसिपल ने जो पत्र पुलिस को भेजा है उसमें छात्रा की उम्र 6 अगस्त 1995 बताई गई है। जैसे ही जोधपुर पुलिस को इस बात का पता लगा है तो जोधपुर पुलिस भी शाहजहांपुर में पहुंच गई है और उस लड़की के स्कूल में तफ्तीश चालू है। जी हां, ये सारे सबूत जोधपुर पुलिस के हाथ लग चुके हैं और जल्द ही ये कोर्ट में रखे जाएंगे। कहा जा रहा है कि लड़की की उम्र 18 साल 10 महीने है। ये सच्चाइयाँ जानने के लिए जोधपुर के ACP पहाड़ सिंह शाहजहांपुर पहुँच चुके हैं। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि संत आशाराम जी बापू के लिए जिन चैनलों ने इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाया था, पर वो चैनल आज क्यों चुप हैं, क्यों नहीं दिखा रहे हैं उन सच्चाइयों को जो संत आशाराम जी बापू से जुड़ी हैं। अब हजारों भक्तों के साथ जो अन्याय हुआ उसका हर्जाना कौन भरेगा। यदि संत आशाराम जी बापू एकदम निर्दोष बाहर आते हैं
तो क्या उनके ऊपर ऐसे झूठे इल्जाम लगाने वालों पर कार्यवाही की जाएगी या फिर उन चैनल माध्यमों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे जिन्होंने इन करोड़ों भक्तों की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किया था? क्या होगा आगे, उसकी भी खबरें पल पल की हम आपको देते रहेंगे। किस प्रकार आज संत आशाराम जी बापू को फंसाया जा रहा है, कौन है इन षड्यंत्रों के पीछे, ये सच्चाइयां भी आप तक जरूर पहुंचेंगी। अब चलते हैं आगे की खबरों की ओर। संत आशाराम जी बापू से जुड़ी कई सारी खबरें और भी हैं। संत आशाराम जी बापू को फंसाने के लिए अभी से नहीं, सन 2008 से ही प्लानिंग चल रही थी। अमृत वैद्य, जो कि संत आशाराम जी बापू का वैद्य होने का दावा करता था, कुछ साल आश्रम में भी रहा, परंतु इसने संत आशाराम जी बापू को बदनाम करने का भरचक प्रयास किया था। अभी गांधीनगर के एक कार्यक्रम में ये एक लोडेड बंदूक लेकर पहुंच गया। इस सेमिनार में नरेंद्र मोदी जी, जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, वो आने वाले थे। वहां पर बंदूक ले जाना अलाउड नहीं था, उसके बावजूद भी वो लोडेड बंदूक लेकर गया। आखिर क्या था उसका इरादा? पुलिस ने जब उससे पूछा तो उसने अपना नाम और पता भी गलत बताया। ऐसे क्रिमिनल लोगों को चैनल पर लाकर आखिर कुछ चैनल वाले सिद्ध क्या करना चाहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आसाराम ना पूर्व वेद अमृत प्रजापति ने गांधीनगर पुलिस से बंदूक साथे झड़पी पड़ो छे। गांधीनगर ना महात्मा मंदिर में योजायेली आयुर्वेदिक समिट में बंदूक साथे घुसवानो अमृत प्रजापति प्रयास कर्यो हतो, त्यारे ते पुलिस ना हाथे झड़पाई गयो हतो। अमृत प्रजापति पोतानी ओळख केजी पटेल तरीके खोटी आपी हती। दूसरी ओर INS की प्लेटिनम जुबली में पहुंचे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। उनका कहना था कि आज कुछ मीडिया द्वारा जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, आज हमारा देश नाजुक हालात से गुजर रहा है, ऐसे दौर में मीडिया द्वारा जनता को गुमराह करना काफ़ी निंदनीय है, आज मीडिया पर भी कोई ना कोई सुधार तंत्र अवश्य होना चाहिए। दूसरी ओर जो संत आशाराम जी बापू का केस गांधीनगर कोर्ट में चल रहा था, वहां पर संत आशाराम जी बापू की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। उसी अर्जी को अभी हाई कोर्ट में लगाने की तैयारी चल रही है। नारायण साईं जी के केस में सुनवाई 28 फरवरी को थी, जिसे बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया गया है। संत आशाराम जी बापू और उनके भक्तों ने सदा कानून और संविधान की मर्यादा का पालन किया है, परंतु फिर भी संत आशाराम जी बापू और उनके भक्तों को अपराजिक तत्व बता दिया जाता है। कुछ प्रसारण माध्यम तो संत आशाराम जी बापू को बदनाम करने का कोई भी मौका नहीं चूकते। संत आशाराम जी बापू ने कारावास से भी पत्र लिखकर अपने भक्तों को कानून की हदों में रहने को ही कहा है। यही कारण है कि करोड़ों की संख्या में भक्त होने के बावजूद भी उन्होंने शांतिपूर्वक मौनपूर्वक रैलियाँ की, जप किया, उपवास किया, प्रार्थनाएँ की, यज्ञ किया, परंतु कोई भी गैरकानूनी कार्य नहीं किया। जब भी संत आशाराम जी बापू की जमानत अर्जी लगती है और उस केस पर सुनवाई चालू होती है, तभी कोई ना कोई मुद्दा उठकर सामने आता है कि संत आशाराम जी बापू के लोग धमकी दे रहे हैं। परंतु धमकी देने वाले लोग जब पकड़ में आते हैं तो पता लगता है कि वो लोग तो ऐसे ही धमकियां दे रहे थे। जी हाँ, अभी अभी एक मामला ऐसा सामने आया। सूरत केस में वहाँ की DCP शोभा भूतड़ा को धमकी देने वाला एक व्यक्ति पकड़ा गया। जब पुलिस ने उसको पकड़ा और उससे पूछताछ की तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो संत आशाराम जी बापू और नारायण साईं को या फिर उनके किसी भी आश्रम को जानता ही नहीं हूँ। उस व्यक्ति ने बताया कि चैनलों पर प्रसारित हुए नंबर को देखकर मैंने ऐसे ही फ़ोन मिला दिया था मजाक में। जी हाँ, मजाक मस्ती करने वाले कुछ छिछोरे लोगों को संत आशाराम जी बापू से जोड़कर एक महान संत को बदनाम करने का बार बार प्रयास किया जाता है, और उनकी जनता को और उनके भक्तों को कितना प्रताड़ित किया जाता है, ये तो शायद आशाराम जी बापू और उनके भक्त ही जान सकते हैं। जहाँ एक ओर संत आशाराम जी बापू के भक्त शांतिपूर्वक उपवास और प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जंतर मंतर पे पिछले 6 महीने से शांतिपूर्वक उनके भक्त धरना कर रहे हैं, क्या आज भारत के संविधान के तहत उनको धरना करने का भी अधिकार नहीं है? पिछले 182 दिन से हजारों की संख्या में वहाँ लोग बैठे हैं संत आशाराम जी बापू के लिए, परंतु कुछ असामाजिक तत्व संत आशाराम जी बापू के भक्तों को बार बार उकसाने का प्रयास करते हैं ताकि कोई दंगा भड़के। ऐसे लोग जंतर मंतर पर अभी कल ही की तारीख को पहुंच गए। उन्होंने संत आशाराम जी बापू को और नारायण साईं जी को गालियां देना प्रारंभ कर दिया और उनके भक्तों को उकसाने का भरचक प्रयास किया। फिर भी शांतिपूर्वक उनके भक्त बैठे थे तो उन्होंने वहां पर दंगा करने का प्रयास किया। इन लोगों को जब समझाया गया तो ये माने नहीं और उल्टा हाथापाई पर उतर आए। आज क्यों संत आशाराम जी बापू के भक्तों को बार बार उकसाने का प्रयास किया जा रहा है? क्या देश की शांति कुछ असामाजिक तत्वों को नहीं भा रही है?
जी हाँ, इसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र भी अवश्य हो सकता है, क्योंकि 2014 के चुनाव भी नज़दीक हैं। इसीलिए संत आशाराम जी बापू के भक्तों को बार बार उकसाने का प्रयास किया जा रहा है। जब संत आशाराम जी बापू के भक्तों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाया, तब ये मामला खुलकर सामने आया। अब कहीं ना कहीं ये बातें देखकर तो ऐसा लगता है कि कोई ना कोई बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है, जो कभी नित्यानंद स्वामी तो कभी हमारे जगतगुरु शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी महाराज, या फिर साध्वी प्रज्ञा हो, या स्वामी केशवानंद जी महाराज, या फिर कृपालु जी महाराज हो, ऐसे संतों को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में अभी संत आशाराम जी बापू को फंसाया हुआ है। जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं, तभी कोई ना कोई भारत के प्रतिष्ठित संत को ऐसे फंसा लिया जाता है। आप देखेंगे सन 2008 में भी संत आशाराम जी बापू और ऐसे कई संतों के साथ ऐसी घटना घटी थी जब 2009 में लोकसभा के चुनाव थे, और अभी सन 2013 में संत आशाराम जी बापू को पोक्सो की धारा लगाकर अरेस्ट किया है, और संत आशाराम जी बापू के साथ जुड़े हजारों नहीं करोड़ों साधक हैं, और सन 2014 में ही लोकसभा के चुनाव हैं। तो क्यों आज ऐसे संतों को फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्यों भारत की शक्ति को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे बहुत बड़ी षड्यंत्र की आंधी है जिसे शायद हम नहीं देख पा रहे। इसीलिए हमें जागना होगा, जानना होगा उन सच से जुड़े तथ्यों को जो भारत के लिए खतरा बन सकते हैं, जो हमारी संस्कृति के लिए, हमारे संतों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। जागिए, जानिए, और जानिए उस सच्चाई को जो आप तक नहीं पहुंच पा रही है। सच से जुड़ी वो खबरें जो आप तक नहीं पहुंची, उसे लेकर आएंगे हम मंगलमय चैनल संस्था समाचार के माध्यम से। हम देते रहेंगे लगातार आपको वो सच्चाइयाँ जो आप तक नहीं पहुंच पाई। कल फिर मिलेंगे इसी समय में संस्था समाचार में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।